सरकार विकास के नाम पर और किसानों को आगे बढ़ाने के लाख दावे करे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत आए दिन सामने आ रही है। सरकार की अनदेखी की कुछ तस्वीरें बीजापुर में देखने को मिली, जहां सैकड़ों एकड़ जमीन पर रेशम कीट पालन केंद्र की शुरुआत की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते आज यह बंजर हालत में है। दरअसल सरकार द्वारा बीजापुर में 25 एकड़ जमीन पर रेशम कीट पालन केंद्र के लिए उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 1986 में भी रेशम केंद्र की शुरुआत भी हो चुकी थी, जहां बेशकीमती रेशम के पेड़ लगाए गए। लाखों रुपए खर्च कर यहां बिल्डिंग का निर्माण किया गया, साथ ही रेशम के कीटों का पालन किया गया, लेकिन महज 2-3 वर्ष तक रेशम केंद्र अच्छी हालत में सुचारू रूप से संचालित होता रहा, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता के चलते सब कुछ बर्बादी की भेंट चढ़ गया और वर्ष 1990 में इसे बंद कर दिया गया। नब्बे से बंद पड़े इस रेशम कीट केंद्र को अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी व नेता द्वारा दोबारा संचालित करने का प्रयास नहीं किया गया। वहीं रेशम केंद्र की जमीन को 60-गांठ के चलते निजी खेती के लिए लीज पर दे दिया गया। यावर में रेशम केंद्र स्थापित किया गया था लगभग 30 वर्ष पहले, और वहाँ पे रेशम के कीड़े भी पाले गए और वृक्ष भी लगाए गए, बिल्डिंग भी बनवाई गई सरकार द्वारा, उसका पूर्णतया इंतजाम किया गया। लेकिन क्या हुआ कि जो लोकल के नेता हैं उनने ध्यान नहीं दिया है उस पर, और शासकीय कर्मचारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो संस्था समाप्त हो गई। और उसमें 200 से लोग जो पलते थे उनका काम भी खत्म हो गया। अगर सरकार दोबारा से इसको चालू करवा दे तो उसमें 200 से लड़के काम करेंगे, युवाओं का काम चलेगा, क्योंकि शासन युवाओं के प्रति जो है कह रही है कि मैं उद्योग भी दिलाऊंगा, मैं काम भी दिलाऊंगा, बेरोजगारी भी खत्म करूंगा। वैसे भी बीजापुर उद्योग विहीन क्षेत्र है। रेशम एक बेशकीमती कपड़ा है और रेशम उद्योग शुरुआती समय में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गया था, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से जमीन के लालचियों को निजी खेती के लिए जमीन मुहैया करा दी गई। रेशम कीट पालन में बेरोजगार किसान अपना भविष्य देख रहे थे, जो हो सकता था रेशम केंद्र आज बीजापुर की पहचान बन जाता। मैं मुझे ये पता चला कि हमारी ग्राम पंचायत जो महुआ झाला है तो उसमें जो है रेशम केंद्र बना था। यहाँ पर पहले जो है दुग्ध प्रशीतन केंद्र था, वो कुछ समय तक संचालित हुआ, उसके बाद में रेशम केंद्र में भी कुछ समय तक जो है कार्य संपादित किया गया, किंतु किसी कारणवश या जो भी कारण रहे हों, कारण तो ज्ञात नहीं हो पाए किस कारण बस उसको लीज पर बंद किया गया। जहाँ तक लीज पे देने की बात है, ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आई है कि उसको किस नियम के तहत दिया गया है। इसको शीघ्र जो है वह जानकारी लेकर के और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, उद्यान के अधिकारी, उनको अभी 2 दिन से उपस्थित नहीं हो पाए आवश्यक रूप से चक्कर के कारण, 1-2 दिन में आते हैं तो उसमें फिर जो है उनसे। गौरतलब है कि रेशम के कपड़ों की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मांग है, जिसे बेहद पसंद किया जाता है। रेशम के कपड़ों को कपड़ों की रानी कहा जाता है। रेशम उद्योग की शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर कच्चा रेशम निकालने के लिए उपयोगी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। बीजापुर से अशोक कुमार सिंह की रिपोर्ट।